ना तो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे सिगरेट दारू गांजा फालतू सीधी उल्टी सीधी बातें करते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का ज्योति स्कूल पहले भी कई बार चर्चाओं में रहा है और अब एक बार फिर चर्चा में आ गया, जहां स्कूल के गेट पर छात्र के अभिभावक धरने पर बैठ गए हैं। बताया जाता है कि प्रमोद मिश्रा पिता रघुनाथ प्रसाद मिश्रा निवासी वार्ड क्रमांक 10 अरुण नगर के हैं, जिनके बच्चों को ज्योति स्कूल के प्रिंसिपल अनिल एंथनी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप लगाया जाता है कि इनके बच्चे झूठ बोलते हैं, पढ़ते नहीं हैं। स्कूल के फादर द्वारा बिना टीसी के ही छात्रों को गेट से बाहर कर दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। आप गेट में स्कूल के धरने पर बैठे हैं, क्या मामला क्या है? मामला सर ये है कि मैं बच्चों को सुबह 7 बजे स्कूल छोड़ के गया, स्कूल से छोड़ के मैं घर पहुँचता हूँ, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आ जाता है। फ़ोन आने के बाद बोलते हैं, बच्चा मेरा बाहर गेट के बाहर से बोलता है, पापा मुझे फादर ने स्कूल से बाहर निकाल दिया है। और फिर मैं वहाँ से यहाँ विद्यालय आया, मैं पूछा क्यों निकाल दिए, बोले पता नहीं क्यों निकाल दिए। जब मैं विद्यालय में के अंदर, ये गार्ड लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे, फिर मैं ज़बरदस्ती गेट के अंदर गया। गेट के अंदर जाने के बाद फिर मैं उनको बोला कि मेरे बच्चों को बाहर क्यों निकाला आपने, अगर आपको निकालना था तो कैंपस के अंदर रखते आप और मुझे फ़ोन करके बुलाते आप, मुझे तो आपने किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन किया नहीं। तो उनका कहना ये था कि आपका बच्चा बहुत झूठा है, बदमाश है, पढ़ता नहीं है ये, और फादर का कहना ये था कि बच्चे को इसको गेट के अंदर नहीं लेना है। यही सारी बातें करके फिर बोले कि बच्चे की टीसी हो गई है, टीसी हो गई है। तो मैं पूछा कि टीसी तो मुझे प्राप्त नहीं हुई है, हमने तो आपको आवेदन दिया है, अगर आवेदन हमने दिया है, अगर आपने उस पर कार्रवाई की है तो टीसी मुझे उपलब्ध कराइए, उपलब्ध तो आपने अभी तक कराया नहीं है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बच्चों का मेरा एडमिशन हो गया है अभी। और इसी यही सब बात हुई, बात होने के बाद फादर अंदर आए नहीं, उनके ही कर्मचारी और क्लास टीचर वगैरह आए सामने, मुझसे बात किए, बाकी किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं प्रशासन से और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये विद्यालय करीब 8 साल से हम लोगों का पेरेंट्स का खून चूस रही है, ना तो बच्चों को पढ़ाती है, बच्चे सिगरेट दारू गांजा फालतू सीधी उल्टी सीधी बातें करते हैं। और ये अभी जैसे मैं कैंपस के अंदर आया, 200 बच्चे बाहर बैठे हुए थे, जैसे मेरा हल्ला सुने उसके बाद बच्चों को क्लास के अंदर लिया ये इन लोगों ने, और बच्चे बाहर बैठे थे। कोई बात हो पाई जी? मेरे से मेरी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हो पाई है और ना मेरे सामने अभी तक आए हैं वो। मांगे मेरी पूरी नहीं होंगी तो जब तक SP कलेक्टर यहाँ का प्रशासन न आएगा तब तक मैं धरने से नहीं उठूँगा। प्रमोद कुमार मिश्रा।